हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शंस को यूज करके दोनों को कंबाइन करके आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फ्यूचर्स को एज ए हेजिंग टूल किस तरह से यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स को यूज करके आप हेज किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 25th ऑफ दिसंबर को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड को इन डिटेल कवर करूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर्स और डायगोनल्स का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप यहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो और इनके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं दोनों स्प्रेड्स के, दैट इज कैलेंडर स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड। तो क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी काफी कम है, विक्स है वो काफी कम है, और कम वोलेटिलिटी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड्स। तो इसीलिए ये वर्कशॉप मैं लेके आ रहा हूँ और ये वर्कशॉप कैलेंडर और डायगोनल के ऊपर एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है, जहां पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, यहां पे आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो और कब आपको इन स्प्रेड्स को यूज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी तरह के डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर्स को हम एज ए हेजिंग टूल किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो वहां पे हम किस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं वो चीज हमें चाहिए, दैट इज समथिंग ऑफ आवर यूज। तो ऑप्शन सेलिंग में हम किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह की हेजिंग हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली होता क्या है उसको आप समझिए। देखिए, अगर मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं तो यहां पे अगर मार्केट जो स्ट्राइक मैंने सेल की है उससे नीचे रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट चाहे नीचे कहीं भी रहे मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा, जो स्ट्राइक मैंने सेल की है उसके बियॉन्ड मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो कॉल ऑप्शन जब हम सेल करते हैं तो हमारा व्यू ये रहता है कि मार्केट नीचे ही रहे, मार्केट ऊपर ना जाए। और जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो वहां पे हमारा व्यू ये रहता है कि मार्केट जो स्ट्राइक मैंने सेल की है उससे ऊपर जाए, अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे मुझे लॉस होगा। तो कॉल ऑप्शन सेल करके हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, नीचे ही रहे, और पुट ऑप्शन सेल करके हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए। तो मान लीजिए मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, लेट से 18,000 के स्ट्राइक का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और मैंने कितना प्रीमियम रिसीव किया है, 100 रुपीज। मैंने 100 रुपीज रिसीव कर लिए हैं 18,000 के पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, 18,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है और उसके लिए 100 रुपीज का क्रेडिट मैंने रिसीव कर लिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, जो स्ट्राइक मैंने सेल की है उसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो वर्थलेस एक्सपायर होगा, जो स्ट्राइक मैंने सेल की है वो वर्थलेस, वो आउट द मनी एक्सपायर होगी, तो जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा एंड दैट विल बी माई प्रॉफिट। तो अगर मार्केट ऊपर रहता है तब तो मुझे 100 रुपीज जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट 18,000 के नीचे जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। लेकिन आपका ब्रेक इवन कहाँ है उसको आप समझिए, 18,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है, 100 रुपीज मैंने क्रेडिट रिसीव किए हैं, तो ब्रेक इवन क्या हो गया, 18,000 माइनस क्रेडिट रिसीव, दैट इज 100 रुपीज। तो 18,000 माइनस 100 रुपीज अगर मैं करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन निकल के आता है 17,900। मतलब मैंने जो पुट ऑप्शन सेल किया है 100 रुपीज में, वहां पे ब्रेक इवन क्या है, 17,900। अगर मार्केट 17,900 के नीचे जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा, उसके ऊपर मार्केट कहीं भी रहता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो इस सिनेरियो में जहां पे मैंने 18,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है, मेरा ब्रेक इवन है 17,900। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जाने की बजाय और नीचे जाना शुरू कर देता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हर जगह मुझे प्रॉफिट ही होगा। लेकिन लेट से मार्केट ऊपर नहीं जाता है और मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है और मार्केट 18,000 को तोड़ के भी नीचे जाना शुरू कर देता है, अब आप याद रखिए आपका ब्रेक इवन कितना है, 17,900। तो लेट से मार्केट 17,900 पे भी पहुंच जाता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, जब मार्केट 17,900 जो कि आपका ब्रेक इवन है वहां पे पहुंचता है तो यहां पे आप एक फ्यूचर को सेल कर दीजिए। जी हां, जब मार्केट 17,900 जो कि आपका ब्रेक इवन है वहां पे पहुंचता है तो वहां पे आप एक फ्यूचर को सेल कर दीजिए। अब होगा क्या, मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना ही आपको एक पुट ऑप्शन में लॉस होगा और आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। जब आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो वहां पे आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, जो आपने क्रेडिट रिसीव किया है। तो इस केस में हमने क्रेडिट रिसीव किया था वो 100 रुपीज का था, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 100 रुपीज था
और लॉस था वो अनडिफाइंड था। तो जब 17900 के नीचे मार्केट जाएगा तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना ही मुझे लॉस होगा। तो मैंने क्या किया, 17900 को जैसे मार्केट पहुंचता है वहां पे मैंने एक फ्यूचर को सेल कर दिया है। अब क्या होगा, जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना मुझे पुट ऑप्शन में लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर मैंने सेल कर दिया है तो जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ही फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये एक परफेक्ट हेज हो जाता है, अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर जाता है तो भी मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितना लॉस मुझे पुट ऑप्शन में होगा उतना ही प्रॉफिट मुझे फ्यूचर जो मैंने सेल किया है उसमें हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक परफेक्ट हेज होता है, मार्केट जितना गिरे उतना गिरने दीजिए, आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर सेल करके और जितना लॉस आपको पुट ऑप्शन में होना था सारा कंपनसेट कर देगा जो प्रॉफिट आपको फ्यूचर में होगा। तो ये एडजस्टमेंट है कि जैसे ही आपके बेचे हुए पुट ऑप्शन के ब्रेक इवन को मार्केट तोड़ता है तो उसी टाइम पे आप एक फ्यूचर को सेल कर दीजिए और ये एक परफेक्ट हेज हो जाएगा। अब आपको जितना लॉस पुट ऑप्शन में होगा उतना ही प्रॉफिट आपको फ्यूचर्स में होगा। सिमिलरली अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेल करके काम करते हो तो वहां पे क्या होगा, जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका व्यू होता है कि मार्केट नीचे ही रहे ऊपर ना जाए, क्योंकि आपके स्ट्राइक के बियॉन्ड मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा तो वहां पे आपको लॉस होगा। तो लेट से आपने 19000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और अगेन आपने 100 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट रिसीव किया है। तो अब अगर मार्केट 19000 के नीचे रहता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन 19000 के ऊपर जाता है तो आपने 100 रुपीज़ का क्रेडिट रिसीव किया है तो आपका ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, 19000 प्लस 100 रुपीज़, तो आपका ब्रेक इवन हो गया 19100। अगर मार्केट 19100 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा और आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मार्केट 19100 को टच करे उसी टाइम पे आप एक फ्यूचर को बाई कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक फ्यूचर को बाई करना है और होगा क्या, 19100 के बियॉन्ड मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपको लॉस होगा एक बेचे हुए कॉल ऑप्शन में, क्योंकि आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है, लेकिन फ्यूचर में आपका प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड होता है। तो जितना लॉस आपको कॉल ऑप्शन में होगा उतना ही प्रॉफिट आपको जो फ्यूचर जो आपने बाई किया है उसमें हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक परफेक्ट हैज हो जाएगा, मार्केट जितना ऊपर जाता है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा फ्यूचर में और उतना ही आपको लॉस होगा एक बेचे हुए कॉल ऑप्शन में। तो अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो वहां पे आपको फ्यूचर को बाई करना है जब आपका ब्रेक इवन टूटे, और अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो और आपका ब्रेक इवन मार्केट तोड़ता है तो वहां पे आपको फ्यूचर को सेल करना है, और इस तरह से ये एक परफेक्ट हैज हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसके कुछ ड्रॉबैक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपने वो कमी पकड़ी हो कि इस एडजस्टमेंट में कमी क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसमें कमी क्या है। देखिए, जैसे पुट ऑप्शन का ब्रेक इवन टूटता है, मार्केट जैसे ब्रेक इवन पे पहुंचता है वहां पे हम फ्यूचर को सेल कर देते हैं। अब मार्केट चाहे 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो लॉस मुझे पुट ऑप्शन में होगा उतना ही प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरता जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मानिए मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आप देखिए क्या होगा, आपने सिर्फ 100 रुपीज का क्रेडिट रिसीव किया है पुट ऑप्शन को सेल करके, और अब आपने क्या किया है, जैसे ब्रेक इवन टूटा आपने एक फ्यूचर को सेल कर दिया है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना लॉस आपको पुट ऑप्शन में होगा उतना प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन अब अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, मान लीजिए मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो आपको पुट ऑप्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, सिर्फ 100 रुपीज का, जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है 18000 का पुट ऑप्शन सेल करके, वो क्रेडिट ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है मार्केट चाहे कितना ही ऊपर चला जाए। लेकिन फ्यूचर जो आपने सेल कर दिया है उसमें उतना ही लॉस होगा जितना मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मोमेंट होता है। तो मार्केट जितना नीचे जा रहा था उतना ही आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मार्केट जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही आपको लॉस होगा एक बेचे हुए फ्यूचर में। तो जब मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वहां पे आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है फ्यूचर में, और याद रखिए जो पुट ऑप्शन आपने सेल किया है वहां पे आपको मैक्सिमम 100 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। तो आपका जो बेचा हुआ पुट ऑप्शन है वो फ्यूचर के लिए आपको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाएगा 100 पॉइंट्स के अलावा, क्योंकि आपने 100 रुपीज जो क्रेडिट रिसीव किया है वहां तक तो वो फ्यूचर को हैज करेगा, लेकिन उसके बाद मान लीजिए अगर 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके बंद होता है तो आपको फ्यूचर में 500 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन जो पुट ऑप्शन है वहां पे आपको सिर्फ 100 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे आपको 400 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इस एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी कमी यही है कि मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है तो वहां पे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये एडजस्टमेंट के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, इट्स लाइक कि आपके घर में काफी चूहे हो गए थे, तो उन चूहों को खत्म करने के लिए आपने एक सांप को छोड़ दिया है।
अब उस सांप ने सारे चूहे खा लिए हैं, लेकिन अब आपके घर में चूहे तो नहीं है, लेकिन अब आपके घर में एक सांप है। तो उसी तरह से अगर आप फ्यूचर को यूज करके एडजस्टमेंट करते हो तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस एडजस्टमेंट को आपको कब यूज करना चाहिए, अंडर विच कंडीशन यू कैन यूज दिस एडजस्टमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने वो बताना शुरू कर दिया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एडजस्टमेंट आपको कब यूज करना चाहिए। मैंने बेसिकली आज की वीडियो में आपको ये बताया है कि ये भी एक एडजस्टमेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को सेल करके काम करते हो तो ये भी एक एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस एडजस्टमेंट में कमी क्या है, क्यों आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। और अब आप इस एडजस्टमेंट को कब यूज कर सकते हो, कौन सी वो कंडीशन है जहां पे आप इस एडजस्टमेंट को यूज कर सकते हो, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 25th of December को, जो मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड के ऊपर, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी तरह के डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।